महाराष्ट्र को अगले 5 साल तक महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्थिर हो, जिसका एकमात्र लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास हो। स्थिर सरकार ही महाराष्ट्र के लिए दूरगामी नीतियां बना पाएगी। लेकिन आपको याद रखना है, ये महाअगाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो ऐसी गाड़ी है, न पहिए हैं न ब्रेक है, और कौन चलाएगा इसके लिए मारम्मार है। वो सबसे अगाड़ी अस्थिर गाड़ी है। ये लोग आपस में ही झगड़ा करने में समय बर्बाद कर देते हैं। साथी, आप बाबा साहब का चित्र बना के लाए हैं, चलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। जरा मैं हमारे साथियों को कहता हूं, जरा कलेक्ट कर लें। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने इतनी शानदार भेंट मेरे लिए लाए हैं। हाँ, वो हमारे साथी ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। साथियों, आप सब भी भलीभांति जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अगाड़ी में कैसे भगदड़ मची हुई है। अभी से अगाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान, नूरा कुश्ती चल रही है। एक पार्टी पूरे दिन अपने नेता को मुख्यमंत्री बताने में लगी रहती है, दूसरी पार्टी और कांग्रेस वाले उनके दावेदारी खारिज करने में लगे रहते हैं। आप जरा सोचिए, चुनाव से पहले इनका ये हाल है, ये अगाड़ी वाले कभी भी महाराष्ट्र को स्थिर सरकार नहीं दे सकते।